आज आपके सामने पेश करने जाने वाले हैं ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 10 रुपए में 40 किलोमीटर चलेगा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त होंगे। आज का वीडियो बड़े ही कमाल का होने वाला है और आज के इस वीडियो में हमारे पास है मिंत्रा का वेस्पा ई स्कूटर। और इस स्कूटर इतना किफायती है जो कि आप सोच ही नहीं सकते। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसकी टेस्ट राइड और देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, कैसा इसका आउटपुट हमें देखने को मिलने वाला है, सिटी के अंदर ये कैसा रहता है, रोड के अंदर कैसा रहेगा, कितना चार्ज करने में टाइम लगने वाला है, रोड प्रेजेंस इसकी कैसी है, कितना इसमें रोड क्लियरेंस हमें को मिल पाता है, कैसे हम खरीद सकते हैं, क्या इसके लिए इसको चलाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होगी, इसका आरसी की हमें रिक्वायरमेंट होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी टेस्ट राइड के अंदर हमें कैसा आउटपुट देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको मैं बता दूं, इसकी जो शुरुआती कीमत है वो सिर्फ 50,000 रुपये से शुरू होती है और इसका एक वॉक अराउंड लेंगे, उसके बाद में चलेंगे हम इसकी राइड के ऊपर और बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसकी वो क्राउन देखते हैं, दिखने में ये स्कूटर कैसे होने वाला है। ये इसकी फ्रंट साइड से हम जैसा कि देख पा रहे हैं बड़े ही ब्यूटीफुल लुक हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। साथ ही में ये जो है इसका हेडलैम्प यहाँ पे हमें देखने को मिल पाता है, ये इंडिकेटर दिए गए हैं, ये टायर आप देख सकते हैं जो एक्टिवा में टायर हमें देखने को मिलने वाले हैं वही के सेम टायर इसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। डिस्क ब्रेक फ्रंट के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल पाता है। वहीं पे यदि देखें यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा मिल पाता है। यदि आपकी 6 फुट हाइट है तो भी आपके घुटने आराम से सेटल हो जाएंगे इसके अंदर। यदि हम बात करें इसकी तो ये यहाँ पे हमें की लगाने के लिए की स्विच यहाँ पे मिल पाता है और इसको यदि की को ऑन करते हैं तो इग्निशन ऑन हो जाता है। अभी ये पार्किंग मोड में है तो मैं अभी इसे ड्राइव मोड में करता हूँ। ये यहाँ पे आपको पार्किंग मोड दिखाई दे रहा है, ये जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं ड्राइव मोड में आ जाता है। अभी ये थर्ड गियर के अंदर है, ये यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रही है। हेडलाइट का स्विच, ये हॉर्न यहाँ पे हमें मिल जाता है, ये टर्न इंडिकेटर के स्विच यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पे दूसरी साइड में हेडलाइट के कंट्रोल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डी एल आर या फिर हम मैन हेडलाइट पर स्विच करते हैं। इसके 3 गियर मोड हमें देखने को मिल पाते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर एंड थर्ड गियर। वहीं पे इसके अंदर हमें रिवर्स का भी ऑप्शन मिल पाता है। यदि आप इस रिवर्स बटन को प्रेस करते हैं तो स्कूटी जो है वो हमारा रिवर्स होना शुरू हो जाता है। वहीं पे यदि हम बात करें कि ये चार्ज कैसे लगेगा तो ये यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर हमें जो है इसे चार्ज लगा के 4 से 5 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाती है, उसके बाद में हमें 40 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कराती है। अभी ये पीछे से भी इसकी लुक देख लीजिए, काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे लुक इसका देखने को मिलने वाला है। लुक के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, लुक ही नहीं, जो पूरा जो है मेटल फ्रेम के ऊपर ये है, प्लास्टिक बॉडी हमें यहाँ पे देखने को मिल पाती है। 4 बैटरी पैक इसमें लगता है और इसकी बैटरी यदि आप रिप्लेस कराते हैं तो सिर्फ आपको 12,000 रुपये की कॉस्ट होने वाली है और 1.5 से 2 साल के बीच में आपको बैटरी जो है एक बार चेंज करवानी होगी। इसके अंदर जो है हमें लिथियम आयन बैटरी नहीं मिलती, लेड एसिड बैटरी यहाँ पे मिलती है, तो हमें उसके अंदर यदि हम पानी वगैरह फिल करते रहते हैं तो बैटरी की अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल पाती है। यहाँ पे हमें जो है अच्छा खासा बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिल पाता है। एक MCB दिया गया है, यदि आप इसको 3-4 दिन के लिए पार करते हैं, कहीं जाते हैं बाहर, तो इसे ऑफ करके जाइए तो आपकी जो बैटरी जितनी चार्ज है उतनी ही चार्ज रहेगी, ऑटोमेटिक ड्रेन नहीं होगी। वहीं पर इसके अंदर कोई भी एसेसरी, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। बस यदि आप चाहें तो आप इसके अंदर एक सीट कवर लगा सकते हैं, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी एसेसरी की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके अंदर आपको RTO पासिंग की जरूरत है, कोई रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। आप यदि फाइनेंस करवाना चाहते हैं इजीली फाइनेंस हो जाता है। ये इसकी आपको ब्यूटीफुल सी की यहाँ पे देखने को मिल पाती है। की के अंदर रिमोट कंट्रोल है, यदि आप लॉक कर देते हैं इसके बाद में इसका जो रियर व्हील है वो लॉक हो जाता है, जैसे ही आप छेड़ते हैं तो ये आवाज़ करनी शुरू कर देती है। इसको रिमोट से अनलॉक करना पड़ता है, तो इसके अंदर एंटी थेफ्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पे ओवरऑल यदि बात करें इसकी तो अभी तक मेरे को जो ये स्कूटर है ये काफ़ी अच्छा लगा, लुक वाइज भी अच्छा है। और इसके अंदर और भी मॉडल हैं जिनके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, जो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कि काफ़ी इसकी अट्रैक्टिव मेरे को लगी, मिंत्रा की तरफ से ये स्कूटर आता है और यदि आप ये स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है वीडियो के आगे नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इसकी एक टेस्ट राइड और देखते हैं कैसा इसका हमें ड्राइविंग या राइडिंग एक्सपीरियंस हमें इसका देखने को मिलने वाला है। ये हम राइड करना शुरू कर चुके हैं, तो जैसा कि सस्पेंशन इसका है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। इसकी टॉप स्पीड जो है वो
38 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हमें यहाँ पे देखने को मिल पाती है। यदि 40 किलोमीटर की स्पीड या उससे ऊपर स्पीड हो जाती तो फिर आरटीओ की फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, इसीलिए इसकी स्पीड जो है वो 38 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। एक बार चार्ज करने के बाद में ये स्कूटर जो है इजीली 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर आराम से चल पाएगा और एक यूनिट बिजली के अंदर ये जो है फुल चार्ज हो जाता है। तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि ₹10 के अंदर ये 40 किलोमीटर की रनिंग आपको प्रोवाइड करवा पाता है। और यदि आप सिटी के अंदर राइड करते हैं तो सिटी के अंदर आपकी टॉप स्पीड यही 40 तक रह पाती है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह इतना ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा स्पीड आप ले ही नहीं जा पाते। पिकअप के अंदर कोई इशू नहीं है, काफ़ी शानदार पिकअप दिया गया है। बस 2 सेकेंड के अंदर ये अपनी मैक्सिमम स्पीड 38 की स्पीड तक पहुंच जाता है। वहीं पे इसके अंदर 3 गियर ओपन भी हमें देखने को मिल पाता है। यदि लेडीज ड्राइव कर रही हैं या फिर कोई एज्ड आदमी ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी इसकी स्पीड जो है फर्स्ट या सेकंड गियर मोड के अंदर भी रख सकते हैं। इसे ट्रिपल जो थर्ड गियर मोड के अंदर भी रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसके अंदर देखने को मिल पाती है। किसी भी तरीके का लेक देखने को नहीं मिल पाता और सस्पेंशन इसका जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये अभी हम मार्केट के अंदर राइड कर रहे हैं, इसके बाद में थोड़ा सा जो खराब रोड कंडीशन है उसके अंदर भी राइड करने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ पे भी देखते हैं कि किस तरीके का हमें इसका जो है सस्पेंशन देखने को मिल पाता है। अभी तक ओवरऑल जो है ये स्कूटी अपनी प्राइस को फुल्ली जस्टिफाई करती है। इतने रुपए में मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा व्हीकल देखने को मिल पाएगा जिसके अंदर कोई भी मतलब कि इंश्योरेंस नहीं कराना, ना ही हमें आरटीओ पासिंग की टेंशन है, ना ही कोई चालान कटने की टेंशन है। बस हेलमेट लगाइए सिर पे और चला लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यदि आप इस स्कूटर को राइड करते हैं। यदि आप इस स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो अभी जो है अक्षय योग पर भी काफ़ी एक्साइटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है विनायक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। और यदि आप इसे फाइनेंस कराना चाहते हैं तो फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इजीली ये फाइनेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट के अंदर आपका लोन पास हो जाएगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आगे नंबर मिल जाएंगे, उनके ऊपर आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा। अभी चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी टेस्ट राइड के अंदर हमें किन तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे को लगा वो ये कि इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आती, ना ही कोई वाइब्रेंस है। तो ये एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन हमें आदत है वो बाइक के साउंड की, तो वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल पाएगी, लेकिन उसकी आपको आदत हो जाएगी। स्पीड काफ़ी अच्छी है, मतलब कि 0 to 38 किलोमीटर के अंदर टॉप स्पीड पे अपनी बस ऐसे झट जैसी पहुंच जाती है। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे और आगे जाके देखते हैं कि कैसे हम इसे क्या इसका फीडबैक रहता है, उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी प्राइस के बारे में। तो ये जो मॉडल है ये 52,000 या 54,000 रुपीज़ के आसपास आपको अवेलेबल हो जाएगा। वैसे इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। और वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने कोशिश की है आपको इनके सारे मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की। तो ये 40 किलोमीटर की रेंज तक आराम से मैंने इसको सारे दिन से चला रहा हूँ, और जब मैंने लिया तो ये जो है 50% चार्ज से मैंने तकरीबन 20 किलोमीटर तक इसे राइड किया है। तो मेरे को इसकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो वाकई में मैं इसे 5 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि 5 स्टार तो बनता है। 50,000 रुपये के अंदर 10 रुपये में 40 किलोमीटर की रेंज का आपको व्हीकल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार जरूर बताइएगा, और आप नाम लीजिएगा शॉप पे जाके हमारे चैनल का, तो आपको कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव डिस्काउंट या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे देखिए रेड बटन को प्रेस करके और पास में लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, कल मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।